योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की लाख कोशिश कर रही हो, लेकिन अधिकारियों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा है। ताजा मामला एटा का है, जहां अलीगंज वीडियो बीएस चौहान के ग्राम रोजगार सेवक से 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित ग्राम रोजगार सेवक का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी बीएस चौहान ने पहले तो खुद ही ग्राम रोजगार सेवक की प्रधान से मिलकर शिकायत की और फिर खुद ही नौकरी चले जाने की धमकी देकर जांच के नाम पर गरीब ग्राम रोजगार सेवक से 70,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर डाली। पीड़ित ग्राम रोजगार सेवक पुष्पेंद्र सिंह ग्राम पंचायत विजयपुर में तैनात और पिछले 20 माह से उसे वेतन भी नहीं मिला है।